Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. So here I am back with another vlog. So how are you all? I hope you all are good. मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से. सो आज है ईद, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक सभी को. सो अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया था और फिर अभी चलते हैं. आप लोगों को आज का पूरा व्लॉग दिखाऊंगा मैं कि हम लोग ईद फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज ईद के दिन हम लोग जा रहे हैं कपड़े लेने, जीतू के कपड़े लेने. आज ईद के दिन इनको याद है, माशाल्लाह काफ़ी बिजी रहते हैं ना, इस वजह से ईद आ जाए. और नवीन मार्केट जा रहे हैं हम लोग ईद के लिए कपड़े लेने. सन्नाटा हो रहा है. अरे वाह, इतनी सारी दुकानें खुली हैं. ये देखिए कितनी सारी दुकानें खुली हैं. इतनी सारी दुकानें खुली हैं, सबसे उन्होंने कपड़े ले लिए. वाह वाह वाह. तो नवीन मार्केट एकदम खाली थी, कुछ नहीं मिला वहाँ से. इस वजह से हम लोग ने कहा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, जीतू मुर्गा पहनेगा. तो मुर्गे की शॉप पे आए, जीतू मुर्गे के कपड़े आज पहनेगा. ठीक है, मुर्गे के कपड़े जीतू पहनेगा, इस वजह से मुर्गे की शॉप पे आए, चिकन शॉप पे. तक कि वो मुर्गे के कपड़े ले रहा है, हम लोग ने सोचा कि मैंने सोचा कि जूस पिया जाए. तो मैं गन्ने का जूस यहाँ देख रहा हूँ, मिल जाए तो वही लेने जा रहा हूँ. मिल गया. कितने रुपये का ग्लास है? 10 रुपये के दो दे दो. और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर के बाहर इतना अच्छा मेला लगता है, हमेशा लगता है. लॉकडाउन की वजह से 2 साल से नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार फिर से लगा. और सारे बच्चे ऐसे मतलब माशाल्लाह इतने अच्छे से खुशी खुशी सब बाहर घूम रहे हैं. मतलब ईद की एक्साइटमेंट में बच्चों को धूप का, गर्मी का कोई भी मतलब कुछ भी एहसास नहीं है. बस माशाल्लाह मज़े में लगे पड़े हैं. कोई कैमल में बैठ रहा है, कोई झूले में बैठ रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई चाट बताशे. मतलब टोटली बच्चों की ईद होती है. बच्चे मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं मुझे लगता है. सो गाइज, ये है साकिब अब्बास. तो हम इनके यहाँ हम लोग आए हैं ईद मिलने. चुप हो रही है, और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. ये देखिए, मेरे पास खुद का पर्स है और अभी मुझे ईद ही मिली है. कितनी? 500, 600, 700, 800. ओफो माशाल्लाह, कितने रुपए हो गए? 800 रुपए हो गए तुम्हारे. और अभी बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, तो रात तक मतलब तुम्हारे 1000 कंप्लीट हो जाएंगे. yes. है ना, 1000 नहीं 2000. और जल्दी से हम लोग एक व्लॉग बनाते हैं. चलिए दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे घर के जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, उन्होंने कितनी प्यारी ड्रेसिंग की है. तो उनकी ड्रेस दिखाते हैं, चलिए आप लोगों को.
आप अपने कपड़े तो दिखाइए जरा, ईद के कुर्ता उतार दिया? अच्छा चलो यही दिखाओ, खड़े हो। से मिलने आए हैं ईद जाफर हुसैन खान। जाफर हुसैन खान एक बार ईद मुबारक तो कह दीजिए ज़रा, कह दो ईद मुबारक, कह दो, अरे ज़रा सा कह दो, ज़रा सा कहो ईद मुबारक हो। देख लीजिए इनकी ईद मतलब मुबारक नहीं है शायद, इसी वजह से ईद मुबारक नहीं कह रहे। उदास क्यों, ईद है, मुस्कुराओ यार, अरे ज़रा सा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा गए, ईद मुबारक हमने कर दी इनकी। जा रहे हो सरबत? कहाँ जा रहे हो सरबत? कहाँ बता दो, एक बार बता दो सरबत। ये हमारे दो प्यारे प्यारे मित्र बैठे हैं, हमारे मित्र बैठे हैं प्यारे प्यारे। क्या कह रहे हो मोहम्मद? ये डाउन तभी बोल देंगे मोहम्मद। सब लोग कहते हैं तुम गुस्से में रहते हो, एक बार हंस दो, मुस्कुरा दो, अच्छे से मुस्कुराओ थोड़ा। वीडियो बना सिर्फ तुम ही लोगों की वीडियो बना रहे, मेरी भी बना दो यार, मेरा ब्लॉग है। इसने बहुत पैसे खर्च किए इसलिए इतना उदास बैठा है बेचारा। कोई बात नहीं मोहम्मद, कभी कभी तो खर्च करते हैं। ये उदास इसलिए बैठा है क्योंकि इतने एक भी पैसा नहीं खर्च किया। आपको उदास लग रहा है आपको, क्योंकि इसने सारा पैसा खर्च किया है यहाँ का, ज़्यादा खर्च नहीं किया, 1-2 हज़ार रुपये खर्च किए हैं, इस वजह से ही होता उदास है। कैमरा लोअर जाना, ये इस वजह से उदास है क्योंकि ये बता नहीं सकते क्यों। तो हम लोग को पैसे दिए थे हमने, ये अभी तक लेके नहीं आया है। तो हम लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, 15 मिनट हो गए, उन्होंने 7 मिनट कहे थे लेकिन अभी तक आया नहीं है। बिल दे के पकड़ा दिया हम लोगों को, ये लोग बेचारे 17 रुपये का पैसा। आ गया आ गया आ गया आ गया, चलो खाओ 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 खाओ, आ गया आ गया, चलिए लीजिए लूटो। नहीं लाइव नहीं चलाया, लूटो 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 लूटो। सबसे पहले तुम उठाओ, वीडियो चल रही है मामा, सबसे पहले तुम उठाओ क्योंकि तुमने पैसे लगाए ना सारे।
अच्छे से खा रहे हो बहुत। बाय। सो फ्रेंड्स, मैं 8:30 बजे आ गया था यहाँ पे और अब 9:30 बज रहा है। सो नाउ आई हैव गॉट द टाइम टू पोस्ट द पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम, जो कि मैंने कर लिए। तो अब टाइम मिला है मुझे करने का, क्योंकि कभी मेहमान बन रहे तो कभी मेज़बान बन रहे। सो यही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छा इंजॉयबल दिन था ईद का। बहुत जगह घूमे, बहुत मेहमान बने, कहीं मेज़बान बने, तो काफ़ी मज़ा आया काफ़ी। और काफ़ी सारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईदी मिली। ईदी से आधा ईदी में आप लोगों को दिखाऊं अपनी कितनी मिली मुझे, क्या क्या मिला है। सो चलिए अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। सो जब तक एक और मेहमान आए तो उनका थोड़े गेस्ट आए तो उनका थोड़ा इस्तकबाल कर दूं, फिर मिलता हूँ आपसे। ईद मुबारक बोलो आयत को। ईद मुबारक। हाँ ईदी तो मिल गई तुम्हें, हम ले रहे ईदी तुम्हारी। तो ईद मुबारक बोलो। अस्सलाम वालेकुम कहो सबको। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस रात होने, मतलब रात हो चुकी है, 11 बज रहे हैं और अब मुझे मिला है अपनी ईदी, जो आज मेरी कमाई है ईदी है। मुझे कितनी मिली है ये देखने का वक्त है। तो चलिए आप लोगों के साथ देखते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि कितनी ईदी मिली है, देखते हैं। सबसे पहले सारे जितने भी तब नोट हैं निकालते जाते हैं और रखते जाते हैं। दस दस के भी हैं, जिसमें 50-50 के भी हैं, 100-100 के भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नोट होगा वो पहले के नहीं है। 500, ओके, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 20, 30, 40, 1500 and 50 rupees. ये है मेरे पहले दिन की ईदी। अरे वाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी ईदी है। और कुछ चिल्लर भी बचे हैं इसमें, जो कि खर्च हो गए हैं इसमें से। चिल्लर देखिए कितने हैं, कॉइन्स, मतलब बैड लैंग्वेज नहीं यूज़ करते। 10-20 ज़्यादा कुछ नहीं है, 20-25 रुपये हैं। चिल्लर से भी छोड़ देते हैं, मतलब लगभग अभी मेरे पास 550 रुपये हैं। ये ईदी मैं अभी थोड़ी देर रखे रहूँगा, देखते हैं क्या करते हैं। 1550 सॉरी। सो मैं ब्लॉग एंड कर रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को ईदी दिखा देता हूँ। मैं मुझे आज कितनी मिली है आप लोगों को कमेंट में लिखिएगा, आप लोगों को कितनी ईदी मिली है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, मुझे इतनी सारी ईदी मिली है मतलब। सो और वैसे पता है 30 रोज़े रखने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि दोस्तों से ज़्यादा हर कोई देता है ईदी, तो इस वजह से ये भी प्लस पॉइंट। सो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माय आज का ब्लॉग। इफ़ यू हैव सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी। तब तक नहीं अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट कर लीजिएगा ज़रूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी। ओके बाय, खुदा हाफिज़।